नमस्कार, मेट्रो न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। तो आज देश का आम बजट जो है वो पेश किया गया। इस बार के बजट की बड़ी बातें क्या कुछ नहीं आपको दिखाते हैं। तो इस बार की बजट की बड़ी बातें, 2022 का ये बजट उम्मीदों भरा, लोग इसे मान रहे थे, लेकिन कई लोगों को बड़ी निराशा है। खासकर अगर बात करें मिडिल क्लास की, तो वो काफी इससे संतुष्ट नहीं है, साथ ही विपक्ष भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन बड़ी बातें क्या है आपको बता रहे हैं। इनकम टैक्स को लेकर स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनधारियों और दिव्यांगों के जो माता पिता हैं उनको फिलहाल टैक्स में थोड़ी राहत मिली है। वहीं आरटीआर के भू सुधार के लिए 2 साल का मौका दिया गया है। सरकार 2022-23 में डिजिटल करेंसी जारी करेगी, जिसे आरबीआई जारी करेंगे। तो अब इस तरह से कुछ इस बजट की खास बातें जो हैं वो रही हैं। और मुख्य बात ये भी रही है कि जिनका बिटकॉइन हो या फिर क्रिप्टो करेंसी है, अगर किसी भी तरह का उन्हें नुकसान हुआ है तो फिर भी उन्हें उसका टैक्स भरना होगा। आरबीआई देश के डिजिटल करेंसी लाने की जो बात है वो हो रही है। डिजिटल करेंसी के ट्रांसफर पर 1% यानी कि 1% का टैक्स आपको देना होगा। अगर आप डिजिटल करेंसी के जरिए ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये टैक्स जो है अब 1% कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी, जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, इसे टैक्स के दायरे में लाया गया है। अगर इसमें नुकसान होता है तो भी इस पर टैक्स देना होगा। डिजिटल करेंसी से आमदनी या घाटे का भी 30% टैक्स आपको देना होगा, यानी कि अगर आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आपको टैक्स देना होगा। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी और इसके अलावा 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा। तो यह कहा गया है कि साल 2023 मोटा अनाज वर्ष होगा और इसके अलावा गंगा किनारे ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। कोऑपरेटिव जो सरचार्ज है 12%, जिसे अब घटाकर 7% कर दिया गया है। तो जो सरचार्ज है वो 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है कोऑपरेटिव पर। और स्कूल में पढ़ाई के लिए ई विद्या का विस्तार किया जाएगा और पीएमई विद्या चैनल के नाम से इसे शुरू किया जाएगा। इस पर क्लासेस जो हैं बच्चों को दी जाएंगी। और पॉलिश हीरे, चमड़े का सामान हो, खेती का सामान हो, विदेशी मशीनें हैं, कपड़े हैं, ये सब सस्ते हो गए हैं। 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण भी किया जाएगा, ये भी इस बजट में साफ किया गया है। और इसके अलावा बेरोजगारों की भी बात की गई है, बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए आयाम तलाशे जा रहे हैं। अगले 3 साल का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 400 नई जो जनरेशन है वंदे भारत ट्रेन वो चलाई जाएंगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये बजट जो है इसकी खास बातें रही हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इसे पेश किया और पेश करके ये खास बातें जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये इस बजट की रही। तो जैसा हम जिक्र कर रहे हैं इस बजट का, केंद्र के आम बजट को उद्योगपतियों ने सराहा है और कहा है कि लंबे वक्त तक इस बजट का असर देखा जाएगा। जिस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया कि 25 सालों को ध्यान में रखते हुए बजट को पेश किया जा रहा है, इसको उद्योगपति भी सही मान रहे हैं। उद्योगपतियों से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक ने, इनकी क्या राय है देख लेते हैं। बजट को लेकर किसान क्या कुछ सोचते हैं, कितना उनके पक्ष में बजट, ये हम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से आम बजट पेश कर दिया गया है। इस आम बजट में खास तौर से उद्योगों को क्या मिला है, उद्योगपतियों को क्या इस बजट से मिला है, उसको लेकर हमारे साथ में उद्योगपति हैं और औद्योगिक संगठनों से भी प्रतिनिधि हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उद्योगपति आशीष जैन हमारे साथ में हैं। सर, लंबा इंतजार था, उम्मीद थी कुछ मिलेगा खास इसमें, क्या लगता है आपको उद्योगों को खास तौर से क्या मिला है? मेरा ऐसा मानना है, धन्यवाद देवेंद्र जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो ये बजट है ये एक रोड मैप है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उनका एक विजन था कि जो जो देश का डेवलपमेंट है वो ओवरऑल होना चाहिए, खाली आप एक दिशा में नहीं देख सकते। तो इसमें आप देखें उन्होंने सारी दिशाओं में काम किया है। आप ये समझे कि सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर जो है आप समझ लीजिए 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है इस बार जो है एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा टोटल बजट है 35 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें 8 लाख करोड़ का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को क्या चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो कहीं ना कहीं आगे जाके जो है देश की दशा और दिशा बदलने का काम करता है। इसके साथ आप देखें किसानों के एमएसपी को तेज को जो है उसको बढ़ाने का काम किया, और जहां तक अब एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर में हमारे इंडस्ट्री में आप ये देखें जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की जो स्कीम है उसमें 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ाए हैं, जो कि बहुत जरूरी था, क्योंकि आप एक पेनेडेमिक से जब देश गुजर रहा है उस केस में जो है आप ये समझ लें इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं उससे जूझती है।
तो उसको 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। इसके अलावा जो है इंसेंटिव्स, जो PLI स्कीम्स है, मैं उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से क्या होता है, एक मेक इन इंडिया और जो आत्मनिर्भर भारत की जो इंडिया की थीम है उसको कहीं ना कहीं जो है बल मिलता है, जो आप ये समझिए कि जिसके कारण एक रोजगार जो है वो बहुत अच्छे रूप से पैदा होगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा बजट है इसको, हालांकि ये सबसे छोटा बजट था जो निर्मला सीतारमण जी ने जो है वो सबसे छोटा बजट दिया। तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे जो है वो आएगी, बट ओवरऑल जो ये लगता है कि ये एक बड़ा बैलेंस्ड बजट है। और ऐसा मानना है कि जो एक मोदी जी का जो विजन है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि $5 trillion की इकोनॉमी हम 2024 में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी चीज को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। 25 साल को ध्यान में रखकर बजट पेश किया गया है। फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ट्रेजरर हैं हमारे साथ संदीप सिंघल जी। सिंघल साहब, उद्योगों को क्या बूस्टर डोज मिली है इस बजट से या नहीं? देखिए देवेंद्र जी, मैं बड़े स्पष्ट रूप से इस बात को कह दूं कि जो एक हमारी आम करदाताओं की एक अपेक्षा रहती है हमेशा बजट से कि कुछ नया मिलेगा, कुछ और छूटें मिलेंगी, तो एक बहुत अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम वित्तीय स्थिति को देखते हैं कि जब कभी भी किसी खर्चे के ऊपर बात आती है तो साथ ही साथ आमदनी का जरिया भी बैलेंस वे में तैयार करना होता है। तो हम हमेशा केवल ये एक्सपेक्ट करते रहें कि बजट में हमें छूटें मिलेंगी, हमारे पास पैसा आएगा, तो सरकार कोई अलग से अपनी कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री तो चलाती नहीं है कि उसमें से पूर्ति करेगी। अल्टीमेटली अगर कहीं भी कोई छूट देनी है, कोई भी व्यवस्था में अगर आपने रिबेट देनी है, किसी प्रकार की सहायता देनी है, चाहे अभी जैसे आशीष जी ने कहा 50,000 करोड़ रुपए का जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बेनिफिट दिया है, तो वो फंडिंग तो सारी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में अरेंज करनी है। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा लगाने के जो कर लगाने का या एक्स्ट्रा इनकम का जरिया कोई जब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक हम कभी भी छूट देने की स्थिति में नहीं आते। तो एक निश्चित रूप से इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जब कभी भी वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है तो अपेक्षाएं रखते हुए हमें उनकी सीमाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार का बजट निर्मला सीतारमण जी ने, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनकी जो एक भविष्य की जो परियोजनाएं उनके दिमाग में है, जो एक रोड मैप बना हुआ है, तो किस तरह की राय रख रहे हैं व्यापारी ये अभी आप जान रहे थे, काफी हद तक संतुष्ट भी नजर आए हैं। और कपड़ा व्यापारी किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, बल्लभगढ़ में हमारे संवाददाता ने वहां पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की है, व्यापारियों से बातचीत की है, खास तौर पर क्या कुछ कहना है उनका, ये राय भी जरा देख लीजिए। सोच में तो सबसे बड़ी बात है कपड़े वाले, जूते वाले, ये सब सोच रहे थे कि टैक्स बढ़ ना जाए, लेकिन सरकार ने हम लोगों पे दया दृष्टि रखी है, हमारा कोई टैक्स नहीं बढ़ा, उल्टा कपड़ा जो है सस्ता हुआ है, हम इसके सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने किसानों की जो आदमी हर तरीके से मदद करने, जो हमारा किसान नाराज चल रहा था, उनको काफी हद तक सुविधाएं दी है। बजट के अंदर आम नागरिक के लिए तो कुछ समझ से परे की बात है, लेकिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो टैक्स में छूट दी गई है, इससे थोड़ा राहत की खबर है ये। बजट से जी पूरी पूरी राहत मिली है, जैसे कि आज नया बजट सूस हुआ है उससे पता चला है कपड़े पे जो आपकी GST है वो कम हुई है, तो इससे कपड़ों में बहुत रेट में गिराव आई है, जिससे हमें भी अब राहत मिली है कि कपड़ा जो है अब सस्ता मिलेगा। तो बजट को लेकर फरीदाबाद में किसानों की क्या राय है, जरा ये भी देख लीजिए। बजट को लेकर किसान क्या कुछ सोचते हैं, कितना उनके पक्ष में बजट, ये हम किसानों से जान लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो किसान बने हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, किस तरीके से देख रहे हैं बजट? देखो जी, हमारे हिसाब से तो किसान के भले के लिए बजट नहीं है। किसान की जो डिमांड थी वो MSP पे गारंटी, और जो किसानों ने ये जो पीछे आंदोलन किया था, जो कानून वापस हुए हैं, उसके प्रति जो लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमारे 750 किसान जो ने शहीद हुए हैं, उनके प्रति उन्होंने कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया। उनके लिए कोई ना कोई राहत देनी थी उनको, सरकारी उनके बच्चों को नौकरियाँ देनी थी या उनको कुछ मुआवजा देना था, ये सब नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी किसान के प्रति जो MSP पे गारंटी की जो डिमांड थी वो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि इन्होंने MSP पे गारंटी देनी चाहिए। MSP के लिए तो बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करने से नहीं ना, हमें गारंटी दी जाए उस चीज़ की, कानून बना दें, उसमें क्या दिक्कत है। अभी भी आप प्रत्यक्ष रूप से देखोगे ना जाके मंडियों में,
तो ये हमारी हर जिनस की परचेज जो है नहीं होती है MSP पे, मतलब सही बजट नहीं है, सही बजट नहीं है हमारे किसान के हिसाब से ये। आप क्या मानते हैं बजट को लेकर? बजट जैसे भाई साहब ने कहा है, हम उससे सहमत है बिल्कुल ही, और ये किसान विरोधी बजट है। अभी किसान इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाएंगे, और इस सरकार ने जय जवान जय किसान के नारे की बहुत बेइज्जती की है, और जहां हमारा देश का जवान सीमा पे भूखे प्यासे रह के देश की रक्षा कर रहा है, किसान हल जोत के हमारे लिए अन्न पैदा करता, जब वो दोनों ही जवान और किसान दोनों ही दुखी हैं, तो हम इस किसान विरोधी सरकार से कैसे खुश हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं किसान अच्छा नहीं मान रहे बजट, आप क्या मानते हो? मैं तो बजट अभी सुन कहा आज ही बहुत अच्छा लगा, डायरेक्ट MSP उसमें जाएगी किसानों के खाते में, अभी मैं सुन कर आ रहा हूँ बजट। और जो सरकारी आदमी है जिन्हें पेंशन मिले थे उनमें छूट दी गई है, अच्छा है बजट। हाँ, हमारे लिए तो बहुत अच्छा। तो कुछ अच्छा मान रहे हैं तो कुछ इसको बहुत ही खराब मान रहे हैं। आपका क्या नाम है? आजाद सिंह। क्या मानते हो बजट को लेकर? देखो, बजट में कोई किसानों को कोई ज्यादा खास बढ़ोतरी तो नहीं है, फिर किसानों की तो जो है सरकार ने भी पता है 13 महीने से जो है ना यहाँ बैठे ही थे, इनको जो है ना जो डिमांड थी वो जो है सरकार ने पूरी नहीं करी। अब मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी से कि भी किसानों ने भी जो है ना आपको ही वोट दिया था, है तो आपने उनकी सुनवाई करनी चाहिए। जो है तो बजट में कुछ नहीं दिया? नहीं, बजट में क्या है, जो है एक MSP वाला गारंटी हो के नाम से ज़्यादा खरीद करेंगे, ज़्यादा खरीद का कोई मतलब नहीं, किसान जो उसमें खुश होता है कि भाई MSP के ऊपर गारंटी कानून बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं MSP पर गारंटी कानून बनना चाहिए था। आप क्या मानते हैं बजट को लेकर? मैं बजट को लेकर मानना चाहता हूँ कि अब मैं क्या, जितने भी हमारे किसान भाई हैं ये चाहते थे कि MSP पे फुली गारंटी मिली जाए। जितने भी इन्होंने वादे किए थे उस टाइम, जो 3 कानून वापस करने के लिए किए थे, तो इन्होंने लगभग उनमें से ज़्यादा वादे पूरे नहीं किए, जिसके खिलाफ में आपको पता भी 31 जनवरी को किसान मोर्चा की मीटिंग। बजट को कैसा मानते हैं? तो उसी हिसाब से लोगों ने बजट में ये सोचा था कि MSP पूर्ण कानून मिलेगा, लेकिन ये क्रिप्टोकरेंसी 30% इस पर टैक्स लगा दिया है, उससे बजट का उससे किसानों को नहीं फायदा होने वाला है। लेकिन ये जो जितना भी आपका जो बजट हुआ है ये किसान हितैषी नहीं है। किसान हितैषी नहीं है बजट? आप क्या मानते हैं बजट को लेकर? किसानों के लिए बजट अच्छा नहीं है जी, किसानों के लिए बीज खाद सब महंगे करके हैं, जिनिस बिक नहीं रही, ये किसानों के लिए बहुत घटिया चीज। तो किसानों के लिए घटिया बजट है, और भी हैं शायद हमारे साथ, आप क्या मानते हैं भाई साहब? हर साल MSP पे 5% वृद्धि होनी चाहिए, और एक कानून बनाओ जो इससे नीचे खरीदेगा ना उसको जेल होनी चाहिए। सीधी बात ये है, क्योंकि MSP मिलती नहीं लोगों को। बजट की बात कर रहे हैं हम, बजट तो मैं देख कर नहीं आया जी, नहीं पता ना मैं तो इस। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो किसान हैं वो इस बजट को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मान रहे हैं, हालांकि कुछ कह भी रहे हैं कि अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बजट को अपने पक्ष में नहीं मानते हैं। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। और वहीं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थियों को PMJJBY की किस्त जारी की गई है। फरीदाबाद जिला में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में प्रीमियम राशि रिम्बर्स की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत हरियाणा के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, किसान, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे दुकानदारों के लिए विभिन्न बीमा योजना, पेंशन योजना का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। और हरियाणा सरकार के बाद आज से 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्कूल बच्चों की पढ़ाई के लिए खोल दिए गए हैं। और सरकारी और निजी स्कूलों की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी गई। कई महीने के बाद स्कूल पहुंचे छात्रों का कहना है कि अब तक उनकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब स्कूल पहुंचकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। छात्रों का कहना है कि बेशक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मेंटली और सामाजिक तौर पर उनका विकास रुक गया है। अब उम्मीद है कि कोरोना वायरस दोबारा से नहीं आएगा, उसकी लगातार क्लास लगी। तो कोविड नियमों का पालन के करते हुए इन बच्चों को स्कूल आने की इजाजत है। साथ ही स्कूलों को हिदायत दी गई है कि जो गाइडलाइन है उसका पालना जो है वो करना होगा, उसकी पालना करनी होगी। और जितने भी बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे अभिभावकों की
रजामंदी उसके लिए ज़रूरी होगी, यानी कि अभिभावक चाहेंगे तो बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। गेट पर छात्रों का सैनिटाइजेशन कराया गया और पूरी कोरोना गाइडलाइन को फॉलो किया गया। बल्लभगढ़ मार्केट में फैली अव्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के आला अधिकारी ACP और SHO ट्रैफिक के साथ NHI की पूरी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। बल्लभगढ़ के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार यादव ने अतिक्रमण को लेकर सख्ती करते हुए उन्होंने कहा कि उन जगहों को चिन्हित किया जाए जहां अतिक्रमण होता है। आने वाले दिनों में उन दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी जो दुकानदार अतिक्रमण करते हैं। आपको पता होगा हम लोग पिछले 3 महीने से प्रयासरत हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक समय समय पर हर मंगलवार के दिन मीटिंग भी की है। जितना भी ये रोड सेफ्टी के संबंध में जितना भी ये बल्लभगढ़ के फ्लाईओवर के नज़दीक साथ लगता एरिया है उसके अंदर व्यवस्था नहीं है बन पा रही है, यहाँ पे भीड़ बहुत रहती है, जाम की समस्या रहती है। बस वाले जहाँ रोकना चाहिए वहाँ नहीं रोक रहे, ऑटो वाले हर कहीं रोक रहे हैं, फड़ी वाले रेडी वाले मार्केट वाले कहीं पर भी आ रहे हैं। काफ़ी समय से जो मुहिम चली हुई है जॉइंट कमिश्नर सर के द्वारा जो है बीच बीच में जो है मीटिंग की गई है और इसको देखने के लिए कि रूपरेखा तैयार करने के लिए, क्योंकि कई प्रयासों के बाद भी देखने में आया है कि यहाँ जो मैनेजमेंट है कि वो जो है चरमरा गई है, कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इसमें तंग हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम लगता है, कई बार किसी को पीड़ित है उसको अगर हॉस्पिटल जाना हो कुछ भी है तो वो चीज़ें देखने में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय पर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की सैकड़ों की तादाद में आशा वर्कर्स भी इस दौरान मौजूद रहीं। नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की ये मांग है, काफी दिनों से वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 56 दिनों से पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई है। अब इसके बाद जो गुस्सा है उन्होंने जताया है। आज फरीदाबाद के नगर निगम मुख्यालय के बाहर हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश के आंगनबाड़ी वर्कर्स मौजूद रहीं। 56 दिन से हेल्पर और वर्कर जो आंगनबाड़ी की हैं उनकी हड़ताल चल रही है और हरियाणा की सरकार बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय इन वर्करों पर हेल्परों पर मुकदमे बनाने में इनकी बर्खास्तगी करने में लगी है, जिसका पूरे प्रदेश का कर्मचारी आज विरोध कर रहा है और सभी जगह पर हम ये प्रदर्शन करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर को अकेला ना समझे, हरियाणा प्रदेश का 3.5 लाख कर्मचारी इनके साथ है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इनकी मांग है हमारे प्रधानमंत्री ने 2018 में जो वर्कर हैं उनको 1500 रुपये देने की बात की थी दिवाली गिफ्ट के रूप में और जो हेल्पर हैं उनको 750 रुपये देने की बात कही थी। अन्य प्रदेशों ने इनको ये लाभ दे दिया लेकिन हरियाणा प्रदेश ने आज तक इनको 1500 और 750 रुपये का लाभ नहीं दिया है, जिसकी मांग को लेकर के ये संघर्ष। बल्लभगढ़ में मंगलवार को सर्दी की इस मौसम में सबसे ज्यादा और दूसरा कोहरा देखने को मिला। सुबह 4:30 बजे कोहरा पड़ना शुरू हुआ, कोहरा कम था लेकिन बाद में धीरे धीरे कोहरा बढ़ गया, कोहरे के साथ ठंड भी बढ़ गई। कोहरा बल्लभगढ़ क्षेत्र के गांव दादरी, मुंबई एक्सप्रेसवे रोड और बल्लभगढ़ के आसपास के और नेशनल हाईवे पर ज्यादा देखने को मिला। ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट महसूस की गई है। सुबह 4:30 बजे तापमान 8 डिग्री सेल्सियस था। कोहरे के चलते सुबह से ही लोगों का आवागमन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित रहा। आने जाने वाले लोगों को जो दिक्कत है इस कोहरे के चलते हुई और जो वाहन थे उनकी आवाजाही पर भी इस कोहरे का खासा प्रभाव देखा गया। जिले में 8 डिग्री तापमान पहुँच गया। तो पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कोहरे का असर देखा गया है। सड़कों पर विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ये तस्वीरें आप ज़रा देखिए कोहरे के चलते लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता है साफ दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है और जो चाहे पैदल चलने वाले लोग हैं या फिर जो अपने वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं
या जो अन्य वाहनों से अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं उनको खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रास्ते ही साफ नहीं हैं, कोहरे में विजिबिलिटी कम होती है, ऐसे में यातायात पर खासा प्रभाव पड़ता है, आने जाने वाले लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।